नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे देश में हंगामा है, पूरा देश पूछ रहा है मंत्री जी का बेटा जो 302 के तहत जिसके अगेंस्ट समन्स है वो है कहां। आज फिर सुबह से शाम हो गई लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। ना मंत्री जी के बेटे पुलिस के समन्स पर पुलिस के सामने ही पहुंचे, यही सवाल आज सब पूछ रहे हैं। सुबह में लखीमपुर में था, दोपहर को पता नहीं कहां चला गया। खबर ये भी आ रही है कि नेपाल भाग गया। लास्ट नोन लोकेशन जो सेलफोन से पता चल रहा है वो नेपाल के बॉर्डर से है। शाम को लोकेशन फिर बदला मिला, फिर उनके पिता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा सामने आए और बताया कि उनका बेटा बीमार है। अरे, पहले तो लखीमपुर में था, फिर नेपाल की तरफ निकल गया, फिर बीमार हो गया। असली स्टोरी क्या है? बल्कि उधर यूपी पुलिस नोटिस पर नोटिस चिपकाए जा रही है उनके घर के एड्रेस पर। दो तस्वीरें देखिए, आरोपी के लिए 2 दिन में 2 नोटिस चिपका दिए गए। चिपका दिए उनके घर पर या बेवकूफ बनाया है सारी दुनिया को, क्योंकि 6 दिन से तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। भागने का समय दे रही थी क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस? बाद में यूपी पुलिस में एक मीटिंग में अजय मिश्रा पहुंचे, वहां टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी थी और कैमरा उनको पकड़कर घेर चुका था। रिपोर्टर ने आरोपी के बेटे पर जब तीखे सवाल पूछे, एक बार मैं फिर से वो सवाल जवाब आपके सामने रखना चाहती हूं। सुनिए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा जी ने अपने बेटे के बारे में सवाल पूछे जाने पर क्या कहा। ऐसा है कि देखिए, मुझे कानून व्यवस्था है, बेटे ने कल उनको नोटिस मिला था, आज कल उनका स्वास्थ्य, उन्होंने स्वयं ये कहा है कि कल मैं पेश होकर के अपना कथन अभिकथन साक्ष सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष है और निर्दोष होने के कारण वो साक्ष्य देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या विपक्ष मांग रहा है? अरे विपक्ष तो यही मांग रहा है, सब कुछ मांगता है विपक्ष के, कोई मसला नहीं। रहते न्याय नहीं होगा। हाँ सर, सर कहा जा रहा है कि आपके पद पे रहते हैं, अजय जी कहा जा रहा है? बिल्कुल नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लिया उसको भी खत्म कर दिया है। अजय जी कहा जा रहा है पूरी तरह से जांच नहीं, ये तो आप लोग कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो निष्पक्ष काम करती है, दोषियों के विरुद्ध जो भी जांच में दोषी पाया उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। चलिए, मंत्री जी तो कहते हैं बेटा आ जाएगा, बीमार है। सवाल ये उठता है कि कौन दोषी है, कौन गुनहगार है, कौन पाक साफ है, ये तो तय इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा। लेकिन जब 302 की FIR है तो पहले तो पुलिस के सामने आना चाहिए और पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए। ये अब तक क्यों नहीं हुआ? सरकार और बीजेपी इसकी जवाबदेही है। लेकिन ये तो था एक पक्ष, एक दूसरा पक्ष भी है। नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर पहुंचे, दावा है कि पंजाब भर से 10,000 गाड़ियां भर के वहां लखीमपुर की तरफ पहुंच गए। अब सुनकर ऐसा साउंड होता है कि कहीं हेमू और राणा की जंग तो नहीं चल रही, जिसमें 10,000 सैनिकों के साथ किसी तीसरे राजा की खैर या कुछ किया हो। सवाल यह भी है कि देश में राजतंत्र है के लोकतंत्र है, जिसमें सपोर्ट और विरोध के लिए हर किसी को कहीं भी जाने का पूरा अधिकार है। मैं ये नहीं कह रही कि सिद्धू वहां क्यों गए, जाना चाहिए, हर किसी को हक है, पहुंचना चाहिए और निर्दोषों के लिए और जिनके घर में क्षति हुई है उनके लिए न्याय मांगना चाहिए। लेकिन सिद्धू ने जाकर खुद क्या कहा, जरा उसे सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये लड़ाई कितनी उनकी खुद सियासी सर्वाइवल की है और कितनी उन बेचारे किसानों के लिए। सुनिए नवजोत सिंह सिद्धू की ये बात। दो
सक्सेस के चलते प्राण तो त्याग फिर पता लगे अजय कितने सक्सेस सुन लिए, जरा शब्दों पर गौर कीजिएगा। और हाँ, ये मैं नहीं कह रही, ये सिद्धू जी कह रहे हैं। और क्या कहा सिद्धू जी ने, मैं आपको पढ़कर बताना चाहती हूं। सिद्धू जी कह रहे हैं, और ये उनके शब्द हैं, बल्ले बल्ले, ये प्रगट सिंह जी कह रहे हैं, सुखिंदर सिंह डैनी जो इस वक्त कार्यकाल संभाल रहे हैं पीसीसी चीफ का, वो कह रहे हैं सक्सेस सक्सेस, ये मीटिंग धरना सब सक्सेस। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं, मुझे बनाते सीएम, मैं दिखाता सक्सेस क्या होता है। 2022 में तो ये कांग्रेस ही डुबो देगा। किसके बारे में कह रहे हैं, दलित मुख्यमंत्री जिनका पोस्टर लगा के सारा गांधी परिवार, सारा कांग्रेस कह रहा था कि उत्थान कर दिया पंजाब में दलितों का। सिद्धू साहब कह रहे हैं डुबो देगा पंजाब को, मुझे बनाते सीएम। महत्वाकांक्षा उमड़ उमड़ कर बाहर आ रही है, कह रहे हैं बार बार कि गांधियों ने गलती कर दी। तो सवाल अब दर्शकों ये उठता है, आशीष मिश्र पर क्या पुलिस की कोई डील हुई है, यही है सवाल। 302 का आरोपी फरार हुआ या सचमुच बीमार है, पूछ रही है पब्लिक ये सवाल। लखीमपुर में कांग्रेस किसकी बल्ले बल्ले कराने गई थी, अपनी या किसानों के लिए न्याय मांगने गई थी। सिद्धू खुद सीएम बनना चाहते थे, दलित सीएम का अपमान क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी, यही है सवाल आज पब्लिक के। और आज मैं आपको मिलवाती हूं अपने मेहमानों से। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं सुधींद्र भदौरिया, लीडर हैं बीएसपी के, राकेश सिन्हा जी हैं बीजेपी के और राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, सुच्ची विश्वास जी लीडर हैं यूपी कांग्रेस की, शांतनु गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट और ऑथर हैं। पहले तो पूछूंगी सुच्ची विश्वास जी, सुच्ची विश्वास जी, अजय मिश्रा अपने बेटे को बचा रहे हैं ये तो जाहिर है, ये नवजोत सिंह सिद्धू न्याय मांगने गए थे या अपने लिए कुर्सी? ना तो सिद्धू जी पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं और ना ही पीसीसी प्रेसिडेंट, तो और तो उनके जस्ट स्टेटमेंट को जस्टिफाई क्लेरिफाई या एक्सप्लेन करने की मुझे कोई ऑथराइज्ड नीड नहीं है। दूसरा, आज का महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश की सरकार गैर जिम्मेदार है और पुलिस प्रशासन की स्थिति यह है कि वो सम्मन और नोटिस कि महोदय अगर आपके पुत्र को जरा सा समय हो तो थाने आ जाए, और पुलिस का बयान कि वहां खाली खोखे बरामद हुए निशाने चूक गए, भड़काऊ बयानों के भाषण हमारे सामने है, उसके बाद भी सरकार प्रदेश सरकार किसका वेट कर रही है? अगर क्या कोई सामान्य व्यक्ति होता तो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस के यही हालात होते, क्या तब भी मुख्यमंत्री जी उसका ऐसे ही बचाव करते? तो ज्यादा महत्वपूर्ण विषय यह है कि 3 अक्टूबर से लेके और 8 अक्टूबर तक हत्या के आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं है? उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का दर्जा जिस व्यक्ति को हो वो हत्या के मुकदमे में ऑलरेडी आरोपी है। न्यायालय की अवमानना करना मेरा उद्देश्य नहीं है, किंतु किस आधार पर उसके फैसले को विगत 3.5 वर्ष से सुरक्षित रखा गया है और ऐसे दागी व्यक्ति को इतने महत्वपूर्ण पद पर रखने का औचित्य क्या? तो मैं विषय संगत ही रहना चाहूंगी। सुच्ची विश्वास जी, चलिए आपने तो सिद्धू जी से एकदम पलड़ा झाड़ ही लिया, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है कांग्रेस ने उन्हें निकाला नहीं है पार्टी से, और अभी तक कोई नया कांग्रेस प्रेसिडेंट भी नहीं बनाया आपने कांग्रेस में। वहां चन्नी साहब सिद्धू जी को मिलने गए थे, मनाने गए थे। और दूसरी बात ये कि ये तो कह रहे हैं कि ये चन्नी जो है डुबो देगा हमको, ये दलितों की इस तरह से बेइज्जती क्यों हो रही है कांग्रेस पार्टी में? देखिए, इतने मेरे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने सिरे से पल्ला झाड़ दिया। नहीं नहीं, मैं पूछना चाहूंगा, मैं पूछूंगी पब्लिक के सवाल, मैं सारे पूछूंगी, लेकिन पब्लिक के सवाल आपसे भी हैं। मैं तो अभी बैठी हूं, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, आप महिला एक अकेली महिला थी पैनल पे, मैंने आपसे शुरू किया, मैं राकेश सिन्हा से पूछ सकती हूं। तो चलिए पहले राकेश सिन्हा जी से पूछ लेती हूं। राकेश सिन्हा जी, 302 की FIR शायद बीजेपी सरकार को उत्तर प्रदेश में या सेंटर में समझ ही नहीं आई,
क्योंकि आशीष मिश्रा जी कभी बीमार हो जाते हैं, कभी नेपाल पहुंच जाते हैं, कभी उनके घर पर एक नोटिस लगता है, कभी दूसरा नोटिस लगता है, पापा मंत्री बेटा गायब। ये किस तरह की सरकार है, ये किस तरह का लॉ एनफोर्समेंट है राकेश सिन्हा जी? देखिए एक बात तो समझ लीजिए, जिस किसी ने भी गलती की है और जो गलती हुई है जिसके द्वारा, उसको सजा मिलेगी। कानून काम कर रहा है, करता रहेगा, चाहे कोई मंत्री का बेटा हो, राकेश सिन्हा जी, ये सुनते हुए छह दिन हो गए, ये सुनते हुए छह दिन हो गए कि जिस किसी ने भी गलती की है, जब तफ्तीश ही नहीं शुरू हुई तो गलती वाला आदमी पकड़ा कैसे जाएगा? नहीं नाविका जी, देखिए कई कई मामलों में ऐसे होते हैं, चूंकि किसी राजनीतिक का बेटा है इसलिए हम यहाँ पर न्यायालय बनकर उसका फैसला सुना दे, ये संभव नहीं। फैसला कोई नहीं सुना रहा, बेटा होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन यदि कोई अपराध करता है इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, यदि मैं अपनी बात कर दूं, जो राजनीतिज्ञ अपने बेटे को प्रोटेक्ट करेगा तो उसे भी सजा मिलेगी। इससे भारतीय उन्होंने स्वयं कहा, यदि जो गलती होगी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सजा मिलेगी। जो मैं कहना चाहता हूं कि सबों की राजनीति करना ये कांग्रेस की फितरत बन गई है। ये उत्सव मना रहे हैं जहाँ लोग मारे गए, अनफॉर्चुनेटली से पूरा देश इस बात पर एक मत है कि आठ लोग मारे गए, आठ लोग मारे गए, जो भी उसमें अपराधी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन एक आदमी दलित मुख्यमंत्री के खिलाफ वहाँ जिहाद करने जा रहा है, दूसरी एक कांग्रेस पार्टी के बड़ी नेता प्रियंका जी झाड़ू का विज्ञापन देने गई है, आप आंसू पोंछने गए, आप उन किसानों को राहत देने गई थी कि झाड़ू का विज्ञापन देने गई है। मुझे नहीं मालूम कि भाई बहन के बीच प्रतिस्पर्धा है, सिद्धू और चन्नी जी के बीच प्रतिस्पर्धा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को जिस प्रकार से सड़कों पर उतार कर अपनी आंतरिक राजनीति को थोपने का काम किया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी उसके पिछलग्गू बनकर उसी के साथ राग लापर हैं। इन मामलों में हम सबको एक होकर न्यायालय पर, न्यायालय अपना काम कर रही है, आज आप न्यायालय पर आरोप नहीं लगा सकते, पुलिस अपना काम कर रही है, जो अपराधियों का पकड़ा जाएगा, उनके पिता ने कहा है कि 11 बजे कल कोर्ट में दाखिल होंगे तो दाखिल होगा, और गलती होगी, सारे साक्ष्य सामने हैं, यदि उनकी गलती होगी तो उनको सजा मिलेगी, यदि उनके पिता उनको प्रोटेक्ट करेंगे तो उनको सजा मिलेगी, सारी बातें न्यायालय के सामने। देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें न्यायालय की प्रक्रिया हम सबके सामने होती है और हम सब कभी ना कभी न्यायालय की प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो आप न्यायालय को तो कम से कम कटघरे में लोग खड़ा ना करें। जब न्यायालय में बात आएगी, सिन्हा जी 126 घंटे हो चुके हैं, राकेश सिन्हा जी 126 घंटे हो चुके हैं, इंतजार का पाठ हमें ना समझाएं, हमें ये बताएं कि न्यायालय की प्रक्रिया अपनी जगह, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया अपनी जगह, पुलिस वहां पोस्टर लगाती है कब, कल और आज, उससे पहले कितने दिन निकल गए, 4। कब हुआ था एफआईआर दायर, सोमवार को, सोमवार मंगलवार बुधवार सब निकल गए, बुलाया नहीं, कोई समन नहीं, कुछ नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, कल एक नोटिस चिपकाया गया, आज बुलाया गया, आज एक और नोटिस, आप किसके आंखों में धूल झोंक रहे हैं? जनता सब देख रही है, और मैं हमेशा कहती हूँ ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है। नाविका जी आपकी आंखों में तो कोई, नाविका जी भारत की जनता के आंखों में दुनिया की कोई ताकत धूल नहीं झोंक सकती, कोई राजनीतिक पार्टी, कोई राजनेता, कोई विचारधारा धूल नहीं झोंक सकती। भारत का जनतंत्र बहुत मजबूत है, नहीं मजबूत होता तो 77 में इंदिरा गांधी नहीं हारती, 89 में वीरभद्र सिंह नहीं आती, 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं बनती। इससे एक बात तो साफ है कि भारत की जनता, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, लिटरेट हो कि इलिटरेट हो, वह बहुत ही परिपक्व है, लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय करता है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि यदि पुलिस ने 4 दिन तक उन तक पहुंचने की कोशिश की, साधन तय अपराध में होता है, और देखिए जो कोई भी घटना घटी है वो क्यों नहीं आए, क्या नहीं आए, ये सब न्यायालय में सब खुलकर आएगा। जब उनके पिता ने मंत्री के रूप में नहीं, एक पिता के रूप में कहा कि मेरा बेटा कल 11 बजे कोर्ट के सामने दाखिल होगा तो होगा, उन्होंने कहा उनके स्वास्थ्य की बात है, हम देखते लालू जी का स्वास्थ्य खराब हुआ तो जेल से उनको राकेश जी मुंबई में जो हो रहा है वो भी ये देश देख रहा है, वहां भी एक पिता कह सकता है कि मेरा बेटा
उसको अभी छोड़ दीजिए, उससे जो पूछना है वो पहुंच जाएगा, आपको जवाब दे देगा, लेकिन उसे तो नहीं छोड़ा जा रहा, उसे तो पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन लेकिन यहाँ पिता के शब्द को ऐसा माना जा रहा है जैसे स्वयं ऊपर से भगवान बोल रहे हैं। सुधींद्र भदौरिया जी, राकेश सिन्हा जी ने जो दलील दी है, आपके गले उतर रही है, आपके गले उतर रही है। मंत्री पद पर बैठे हुए हैं पापा जी, मंत्री पद पर बैठे हुए पापा जी, बेटा है नदारद, और हमें बताया जा रहा है कि पापा जी ने कह दिया बेटा आ जाएगा तो आ जाएगा, मान लो बात, अनुमति हो तो। हाँ जी बोलिए भदौरिया जी। देखिए हाँ, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, जिनके सत्ता हो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, और ये हमने देखा है, जब सत्ता होती है तो फिर वो सिर पर चढ़कर बोलती है। आज अगर ये विपक्ष में होते तो फिर इनकी भाषा दूसरी होती, और हमने देखा है, इनको विपक्ष में भी देखा है, सत्ता में भी देखा है, हम भी रहे हैं विपक्ष में और सत्ता में भी रहे हैं। पर हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आज इस समय पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, हमारे यहाँ संविधान है, किसी का एक बयान आ जाता है, कोई पत्रकार कोई एक बात कह देता है तो उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाता है, उस पर ऐसी धाराएं लगाई जाती हैं सेडिशन की कि उसको जमानत नहीं मिलती है, सीधा जेल भेज दिया जाता है। तो जो लिखने की बोलने की आज़ादी के लोगों को तो जेल में ठूंसा जाता है, और जिन पे धारा 302 लगी हुई है, हत्या की धारा लगी हुई है, हम तो कोई चोट मामूली चोट मोट की नहीं, और सब पूरे देश ने देखा, वहां पर गवाही दी है कि हाँ भैया बैठे हुए थे गाड़ी में और रोनते हुए चले जा रहे, और पूरे देश ने देखा, क्लिप्स हैं सब। तब सुप्रीम कोर्ट को जब इन्होंने एक इंक्वायरी बना दी, खुद ही बना दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के लिए उन्होंने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हमारे माननीय थे, कि हम इसका सुमोटो कॉग्निजान लेते हैं, हम जांच करने जा रहे हैं, उसके बावजूद कर दी। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बचाने की कोशिश कोई भी हो ये अनुचित है, और आप इस समय जब किसान, इस देश के 600-700 किसान मर चुके हैं इस ठिठुरती हुई ठंड में, लू में और बरसात में, और उसके बावजूद आप इस तरह की दलील दें तो ये दुख और होता है। इसलिए एक तरफ आप बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं, उनके पथ पर चलने वाले आप अपने आप को वाहक बनाते हैं, और उसके बावजूद नहीं, आप उत्तर अवश्य दीजिएगा, आप उत्तर देने के लिए कि आप तो देश चला रहे हैं, आप उत्तर क्या देंगे, आप तो देश चला रहे हैं और कभी भी किसी को जेल भेज सकते हैं, पर आप इनको, जिनको जेल में रहना चाहिए था पहले, उनको वहां पर पेश होना चाहिए था, चस्पा हो रहा है उनके घरों पर, और वो कह रहे हैं पिताजी, पिताजी क्या गृह मंत्रालय चलाएंगे, गृह मंत्री से, होम मिनिस्टर से पूछा जा रहा है कि, और मीडिया पूछ रहा है, पूरे देश ने देखा है कि आपका बेटा इसमें हत्या में शामिल है, और आप कैसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं ये कहूंगा, आप होते तो इस्तीफा लेके आप संसद भी नहीं चलने देते, देश भी नहीं चलने देते, पर आप इस समय बिल्कुल कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। राकेश सिन्हा जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मैं जाना चाहती हूं, मैं जाना चाहती हूं, नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से हैं, नावेद सिद्दीकी जी, 30 सेकंड में एक छोटा सा सवाल, आप कहां सवाल पूछेंगे, आप सत्ता में हैं, आप तो जवाब दीजिए ना, आप कहां सवाल, नहीं, ये इन्होंने हमारी पूरी व्यवस्था, नहीं, टाइम्स नाउ नवभारत की रिच में जानता हूं, लाखों लोगों तक है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, अगर छोटा चैनल होता नहीं पूछता, लाखों लोग देख रहे हैं। अब भदौरिया जी ने जो स्टेटमेंट दिया, एक बड़े जिम्मेदार नेता है, इसलिए मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, एक पत्रकार और बुद्धिजीवी का नाम बताइए जिसने नरेंद्र मोदी जी की सरकार की आलोचना की, और जिस तरह से आप आलोचना कर रहे हैं, संविधान के अंतर्गत आलोचना की, उसको FIR करके उसको जेल भेजा गया, एक पत्रकार बुद्धिजीवी का नाम बताइए। मैं आपको एक दर्जन लोगों के, प्रोफेसर्स के,
टीचर्स के सम्मान पूरे देश की स्वतंत्रता नरेंद्र मोदी जी की सरकार में है उतनी स्वतंत्रता शायद ने इस प्रकार का एक माहौल बनाया है कि डर का भय का चुन चुन कर सबको में नरेंद्र मोदी जी को गाली दी जाती है। देखिए चुन चुन कर योगी जी पर सवाल खड़ा किया जाता है और आप कहते हैं स्वतंत्रता नहीं है, दम है कितना दमन में तेरे, इतना बड़ा झूठ है आप देखेंगे जी, आपका झूठ सबके सामने आ गया, आप बड़े परिपक्व नेता हैं, सीनियर नेता हैं, आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। आज आप कन्हैया की तरह बात कर रहे हैं, आज मुद्दा वो नहीं है, आज मुद्दा है आशीष और मोनू मिश्रा को। और मैं नावेद सिद्दीकी जी से पूछना चाहती हूँ, नावेद सिद्दीकी जी पापा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, केंद्र में बैठे हैं और अक्सर उत्तर प्रदेश आना जाना उनका चल रहा है और कह रहे हैं कि बेटा मेरा बीमार है और वो आएगा जरूर, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। मैं ये पूछ रही हूं कि क्या किसी साधारण आदमी को लॉ इस तरह की छूट देगा? नाविका जी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, थोड़ा देर से ही मिला लेकिन चलिए ठीक है। देखिए ऐसा है कि मैं भदौरिया साहब को सुन रहा था और जो यहां पर भक्त लोग बैठे हैं उनको भी सुन रहा था, तो मैं ये कहना चाहूंगा भदौरिया साहब बेकार में अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। देखिए लोकतांत्रिक, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और यहां के गृह राज्य मंत्री हैं, इतनी बड़ी सम्मानित जगह पर बैठे हैं। दूसरी चीज, अमित शाह साहब के इतने करीबी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनकी सरकार है और फिर उनका बेटा है, तो इतनी जल्दी उनको पकड़ना देखिए ये ठीक नहीं, उचित नहीं। देखिए कोई सलमान खान थोड़ी है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी से तीन चार लोगों को कुचल दिया तो अगले ही दिन पुलिस जाके उठा ले। भाई सलमान खान थोड़ी है, ये तो मंत्री के लड़के हैं भाई, वो भी कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, गृह मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो थोड़ा वक्त तो देखिए देना पड़ेगा पुलिस को, पुलिस को और प्रशासन को थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा। ये आम आदमी थोड़ी ना है कि अगर कोई ड्रग्स में पकड़ लिया जाता है किसी के साथ तो उसको उठा ले, बाप से बेटे को ना मिलने दे और आप उसको बैठाते हैं जाके, पहले आप उसको कोर्ट में रखें फिर उसके बाद आप उसको अर्थर रोड जेल भेज दें। भाई ये सब थोड़ी है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं भाई, सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त, सबसे अच्छी पार्टी है और देखिए कितना इसका नाम है दुनिया में, हर जगह सोशल मीडिया पे छाई है, सारे चैनल जो है इनकी वाहवाही करते हैं, तो कोई ना कोई तो बात है। तो इसलिए भाई थोड़ा वक्त लगेगा, भदौरिया साहब परेशान ना होइए, लेकिन हमें यकीन है न्याय मिलेगा, किसानों को न्याय मिलेगा, आज नहीं तो कल जल्दी मिलेगा। शांतनु जी, आपके पास आने से पहले मैं लेना चाहती हूं दो सवाल जो पब्लिक पूछ रही है, पब्लिक के सवाल सुनिए क्योंकि पब्लिक, मैं हमेशा कहती हूं, सब जानती है। लखीमपुर खेरी के घटना का मैं निंदा करता हूं और मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, उसे मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? आखिर कौन है जो आशीष मित्रा को बचा रहा है? मेरा सवाल ये है कि चाल चरित्र वाली पार्टी मानी जाती है बीजेपी, क्या नैतिकता के आधार पर अजय मिश्र को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? सुना आपने ये सवाल, दोनों सवाल, एक छत्तीसगढ़ महासमुंद से पूछ रहे हैं अभय जी और एक सवाल आया है गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, कहां हैं आशीष मिश्रा, मोनू मिश्रा कहां हैं? आज पब्लिक के जमान पर बस यही सवाल है, जवाब दीजिए। नाविका जी, आपने जो पिछले 15-20 मिनट की तहरीर में जो कुछ फैक्ट्स बताए, मेरे ख्याल से आपकी रिसर्च टीम ने आज मेहनत नहीं करी, मैं आपको दुरुस्त कर दूं। पहले आपने कहा कि कोई तहकीकात ही नहीं हो रही है, दो लोग अरेस्ट हो चुके हैं, नाम मैं बताता हूँ, आपकी रिसर्च टीम को भी बताइएगा, लव अरेस्ट हो चुके हैं, आशीष पांडे अरेस्ट हो चुके हैं, तीन लोग डिटेन हो चुके हैं और समन जा चुके हैं। तो पहली आपकी जानकारी गलत थी कि कुछ तहकीकात नहीं हुई। दूसरी जानकारी आपने कहा नेपाल से सिग्नल पाया जा रहा है, एक बार मानचित्र आप भी देख लीजिए और अपनी टीम को भी दिखा दीजिए, लखीमपुर जिला पूरा नेपाल के बगल में है, तो आधे से ज्यादा पॉपुलेशन का मोबाइल फोन नेपाल के पास दिखाएगा। तो मतलब ऐसी जानकारी से भ्रमित मत करिए कोई नेपाल भाग गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मानचित्र में नहीं पता लखीमपुर की दिखा है, वो नेपाल के बॉर्डर में है, आधे लोगों का
का मोबाइल फोन नेपाल के पास आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं अफवाह फैला के हम, क्योंकि हम कह रहे हैं कोई प्रामा फेसी एविडेंस नहीं है, क्योंकि एफआईआर लिख दी गई, एफआईआर इसलिए लिख दी गई क्योंकि उसमें लोग कह रहे थे, प्रामा फेसी एविडेंस मिला उनको, उसके लिए बुलाया गया है और वो कल 11 बजे चले जाएंगे। एक किसी भी तहकीकात में 90 दिन का समय मिलता है, क्योंकि मीडिया ट्रायल हो रहा है इसलिए 4th दिन ही पकड़ लो, 5th दिन भी पकड़ लो, 3-4 दिन तो आपके राहुल गांधी प्रियंका गांधी को संभालने में लग गए, एविडेंस लाशों के पोस्टमार्टम में लग गए, लाशें रिलीज नहीं कर रही थी जो अपोजिट पार्टी थी। और साथ में ये भी बात करनी होगी, जो 4 लोग लिंच हो गए उनको किसने मारा, उसके बारे में एक बार बोल तो दीजिए, कम से कम एक्टिंग ही कर दीजिए बोलने की कि भाई उनको भी पकड़िए, वो नहीं उनका भी मोबाइल ट्रेस करिए, उनके पीछे भी अपने पत्रकार भेजिए, नहीं भेजिए कम से कम। देखिए अगर आपको पारदर्शी नहीं होना है तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कम से कम एक्टिंग तो करिए पारदर्शी होने की। शांतनु गुप्ता जी ऐसा है कि मुझे आपसे नसीहत की जरूरत नहीं है, और हमने 4 और 4 कभी नहीं किया, 8 लोगों की मौत हुई है, और ये और आप पहले भी मेरे शो में रह चुके हैं। ये जो कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड है ना आपका, ये जो पेट्रनाइजिंग एटीट्यूड है, ये किसी और को दिखाइएगा। मैं इससे ना दबने वाली हूँ, ना मैं उससे भ्रमित होने वाली हूँ। मैं आज भी आंख में आंख डालकर आपसे पूछूंगी शांतनु गुप्ता, कि अगर आप कह रहे हैं कि 126 घंटे बाद हम ये सवाल ना पूछें कि मोनू मिश्रा अरेस्ट क्यों नहीं हुए, क्वेश्चन क्यों नहीं हुए, और हम डर जाएंगे, तो हम डरने वालों में से तो है नहीं, आप भी यही है। और जब तक परमात्मा रखेगा तब तक हम भी यही है, और डरने वालों में से कम मैं तो नहीं हूँ शांतनु गुप्ता जी, इसलिए मुझे आपकी नसीहत की तो जरूरत है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ये कह रहे हैं कि नेपाल की बॉर्डर की बात, तो मैंने ये पहले ही कहा था कि ऐसा कहा जा रहा है, और पिताजी कह रहे हैं कि कल आ जाएंगे 11 बजे, तो इसको मैं क्यों समझ लूं कि ये बिल्कुल सत्य वचन हो गया, जबकि अब तक ऐसी कोई उन्होंने हमें इंडिकेशन नहीं दी, एविडेंस आया नहीं है। मेरा कहना सिर्फ एक है, नहीं शांतनु गुप्ता जी आप मेरी पहले प्रश्न सुनेंगे फिर जवाब देंगे, मेरा कहना सिर्फ ये है, when you are in government, perception is important, justice doesn't have to be given, it has to be seen to be given। और आप कह रहे 3-4 दिन तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को संभालने में लग गए, अरे आप इतने भी चुस्त नहीं है कि राहुल और प्रियंका को आप संभाल सके एक दिन में। 3 दिन आपने उनको बंद रखा, 4th दिन जाने दिया और उनको फुटेज दी, ये तो आपकी स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम है। जनता को क्यों गाली दे रहे हैं, मीडिया को क्यों कह रहे हैं? देखिए आप 2-2 मुख्यमंत्री लेके पहुंच जाते हैं, मेरे ख्याल से आपको भी इतनी जानकारी होगी कि एक मुख्यमंत्री का क्या प्रोटोकॉल होता है, एक राहुल गांधी जैसी सांसद का क्या प्रोटोकॉल होता है, उन सबका प्रोटोकॉल पहले पुलिस मेंटेन करे, वो आपको जानकारी है ना। देखिए अच्छा तो ठीक है, आजकल आप जनता को ये बता रहे हैं कि प्रोटोकॉल इज मोर इम्पोर्टेंट देन इन्वेस्टिगेशन, प्रोटोकॉल इज मोर इम्पोर्टेंट देन इन्वेस्टिगेशन, शांतनु गुप्ता ये बताना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार मृत किसानों और लिंच्ड वर्कर्स और जर्नलिस्ट के केस में पहले उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो प्रोटोकॉल देखेगी, इन्वेस्टिगेशन बाद में देखेगी। आपको ये कहते हुए आपका अपना खून नहीं खौलता शांतनु जी? या तो आपको समझ नहीं है, आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर एक सीएम किसी भी जिले में पहुंचेगा उसका सुरक्षा का प्रोटोकॉल होगा, उसमें कंकड़ भी लग गया तो अलग बवाल हो जाएगा। वहां पहले ही इतनी इतनी नाजुक स्थिति है, उसमें हम जानबूझ में पुश करें क्योंकि हम कह रहे हैं इसलिए उसको 4th दिन, कौन से ज्यूरिसप्रूडेंस के कानून में बताइए आशीष मिश्रा को अरेस्ट करना चाहिए? नहीं छोड़ दीजिए, नामजद एफआईआर नहीं क्यों अरेस्ट करना है, इन्वेस्टिगेशन के बिना अरेस्ट नहीं किया जाता है। नहीं आप बुला ही नहीं रहे, वो आ ही नहीं रहे, समन के बावजूद आ नहीं रहे, क्यों अरेस्ट करना है, छोड़ दीजिए ना। अरे भैया उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, यहाँ लॉ तो आम आदमी के लिए बनता है। अरे भैया नेता लोग के लिए थोड़ी बनता है लॉ, नेता लोग के लिए लॉ नहीं होता है, लॉ सिर्फ आम आदमी के लिए होता है कि अगर मास्क मत पहनो तो 2000 रुपए निकालो, अगर गाड़ी सड़क पे इधर येलो लाइन के आ जाए तो
2000 रुपए निकालो, अगर कुछ आपने कह दिया तो आपको जेल में डाल दिया जाए, ये सब तो आम आदमी के लिए होता है, आप लोगों के लिए कहाँ है? गलती हो गई, सवाल पूछा, गलती हो गई, सवाल पूछा। भदौरिया जी, भदौरिया जी, आप मुझे बताइए शांतनु गुप्ता जी की दलीलों से अब क्या कहना है? देखिए एक चीज जान लीजिए, कोई कितनी भी दलील दे, कोई कितने भी तर्क दे, कोई कितने भी बचाव करे, आम जनता भी देखती है और समझदार है। जैसा राकेश सिन्हा जी कह रहे थे, एक परसेप्शन तो जरूर बना है कि हमारा आदमी होगा तो उसका बचाव किया जाएगा और जिस भी सीमा तक जाएंगे होगा हम जाएंगे। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, ये 302 का मामला है और जिस दिन ये घटना घटी उसके दूसरे दिन से तमाम पूरे देश के मीडिया में क्लिप्स चली हैं, सोशल मीडिया में क्लिप्स चली हैं, सब ने ये देखा है। मैं तो ये भी कहूंगा कि जो अन्य लोगों की हत्या हुई है उनको भी गिरफ्तार करें, मैं तो नहीं कर रहा हूं, ना हमारी पार्टी ने कहा, ना हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो वहां गए उन्होंने कहा। मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं मैं ये कहना चाहता हूं, पर गृहमंत्री जी के क्योंकि वो बेटे हैं इसलिए उनके लिए कुछ विशेषाधिकार बनेंगे। अगर कोई साधारण होता तो जरूर हो सकता है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये इनके पार्टी के सांसद वरुण गांधी जी भी कह रहे हैं, भाई आपके पार्टी के सांसद हैं वो, तो जवाब दीजिए सिन्हा जी, तो उनकी बात तो राकेश सिन्हा जी, राकेश सिन्हा जी, समटाइम्स आपने सुनी होगी अंग्रेजी की कहावत है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और इस वक्त एक्शन में ये नजर आ रहा है कि मंत्री जी के बेटे को समन 2 सर्व हो चुके हैं, FIR में नाम आ चुका है, लेकिन वो अभी तक पुलिस के सामने पहुंचे नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि वहाँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के जाने से एक एटमॉस्फेयर ऐसा है कि कुछ और बवाल हो जाएगा, तो बवाल तो इससे भी होगा, इसके लिए भी तो सेंसिटिव रहना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। देखिए नाविका जी, एक बात तो आप जान लीजिए, जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक्शन बेटर होता है वर्ड्स से और एक्शन स्पीक्स, तो मैं सहमत हूँ। आप एक चीज़ बताइए, कानून और व्यवस्था किस जगह पर चूक हो रही है? उनको समन दिया गया, 2-2 बार समन दिया गया, उनको हाजिर होने के लिए कहा गया, उनके पिता से जब मीडिया ने पूछा, पिता ने कहा कि स्वास्थ्य खराब था, वो कल हाजिर हो गए। 4 दिन में आपको लगता है कि उसी दिन आना चाहिए था, घटना के तुरंत बाद आना चाहिए? तो देखिए ये सब्जेक्टिव चीज़ है, उसमें कोई मदद नहीं कर सकता और कोई आइडियोलॉजिकल और पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये एक व्यक्ति के द्वारा किया के द्वारा कथित रूप से जो अपराध है। लेकिन उसके साथ साथ जो मॉब लिंचिंग हुई है हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉब लिंचिंग की जो वो घटना है जिसके बारे में भदौरिया साहब बहुत बहुत ही धीमे स्वर में बोलते हैं, जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है, हत्या किसी की भी हो, मृत्यु किसी की भी हो, उसमें हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। खून का रंग लाल होता है, कोई अपना भाई खोया, कोई अपना बेटा खोया, कोई अपना पिता खोया, और अब उस मामले में हमें असंवेदनशील नहीं होने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक बात सुनिश्चित मैं करना चाहता हूं भदौरिया जी, जैसे आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि एक बुद्धिजीवी और पत्रकार का नाम बताइए, मैं नाम लेना चाहता हूं, चूंकि किसी चैनल की ये प्रतिष्ठा का सवाल होता है और एक प्रोफेशनलिज्म होता, मैं इसे 10 पत्रकारों का नाम बोल सकता हूं यदि नाविका जी परमिट करें, जो चैनल पर बैठकर रोज नरेंद्र मोदी चालीसा का रिवर्स रूप पढ़ते हैं, गाली देने के अलावा गालियां देते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज में बात करते हैं, आज तक कोई समन नहीं हुआ, किसी ने उनको पूछा तक नहीं, उनका TRP जा रहा है, जनता उनको देखना बंद कर रही है। सवाल नाविका जी आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि नाविका जी हमसे भी पूछ रही हैं, आपसे भी पूछ रही हैं, ऐसे ही इंपार्शियल जर्नलिज्म की हमें आवश्यकता है। मैं जो 2 सवाल पूछना चाहता हूं कि किस स्थान पर केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने या राज्य के पुलिस ने कोताही बरती है? आपको लगता है 4 दिन का डिले हुआ, तो मैं मानता हूं कि 4 दिन का डिले हुआ तो कल 11 बजे आ रहे हैं, कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन यदि जमीर है, नैतिकता है, तो मॉब लिंचिंग करने वालों के खिलाफ आप आवाज उसी से उठाइए, जैसे हमने सरकार का देखा है रवैया, राज्य मंत्री के बेटे में दलित की बच्ची का बलात्कार हुआ और हमने रवैया देखा है जम्मू कश्मीर में 5 लोगों की हत्या, अरे छोड़िए,
के पुलिस के अफसरों ने क्या किया? कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस के अफसरों ने कहा कुछ हुआ ही नहीं, और उसके बाद जब उनको पुलिस ने इतने बार क्लीन चिट देने के बावजूद भी पूरे देश में शर्मिंदा होना पड़ा, जहां सरकारें काम कर रही हैं वहां पर क्या बात कर रहे हैं? पूरे देश में आपको शर्मिंदा आपकी पार्टी को सरकार को होना पड़ा हाथरस कांड की वजह से। खून होने का हाथरस कांड की वजह से पूरे देश में आपको दलित की बच्ची और दलित की बच्ची केवल हाथरस में नहीं गोंडा में, और मैं आपको दसियों शहर गिना सकता हूँ जहाँ पर दलितों पर जुल्म और अन्याय और अत्याचार हो रहा है। दलितों का इतना ख्याल आ रहा है आपको भदौरिया जी, तो मुझे बता दीजिए कि नवजोत सिंह सिद्धू जो कह रहे हैं कि दलित मुख्यमंत्री पंजाब के डुबो देंगे कांग्रेस को, मैं आया हूं तो सक्सेस हो गया है ये मीटिंग, ये किस तरह की मानसिकता? इस पर भी तो दो शब्द कहिए नाविका जी, अगर इजाजत हो तो एक सवाल राकेश सिन्हा साहब। वो तो डुबो रहे हैं, उनकी पार्टी के उन्होंने कप्तान तक को डुबो दिया है, वो तो सबको डुबो रहे हैं, और यही लोग जीत करके उनको बनाए हुए हैं। वहां का अब नया कप्तान भी बना रहे थे, उप कप्तान से कप्तान बना रहे थे, अब इसका जवाबदेही इनकी है। पर मैं जरूर नावेद जी, आप बिल्कुल म्यूट नहीं है, आप बिल्कुल म्यूट नहीं है नावेद जी। नावेद जी, यहाँ पे कंपेटिटिव पॉलिटिक्स हो रहा है, प्रतिस्पर्धा का पॉलिटिक्स हो रहा है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक फ्यूचर चमकाने के लिए वहां पहुंची हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू जो मिली थी गद्दी वो छोड़कर अब वहां पहुंचे हैं दोबारा से इंप्रेस करने के लिए अपने ही पार्टी के लोगों को। कौन वहां न्याय के लिए खड़ा है? ना किसानों के लिए, ना उनके लिए जो लिंच होकर जिनकी मौत हो गई वहां पर, कौन खड़ा है वहां न्याय के लिए? मैं देखिए नाविका जी, जैसा कि आप कह रही हैं कि वो कांग्रेस अपने लिए जा रही है और राजनीतिक फायदे के लिए जा रही है, विपक्ष तो विपक्ष एक चीज होती है, तो विपक्ष जा रहा है आवाज उठाने के लिए। अगर विपक्ष नहीं जाएगा तो बताइए, कहेंगे कि तो फिर ये तो जो मनमानी होगी सरकार वही करेगी, तो फिर किसी की आवाज उठा ही नहीं सकते। अगर किसी कमजोर को कुचला जा रहा है, किसी दबे को नहीं, नहीं विपक्ष जरूर जाए, सवाल पूछने जरूर जाए, पर भीड़ देख के बल्ले बल्ले करने लग जाए वहां जहां जिनके घरों में मौत हुई है, वहां खड़े होके बल्ले बल्ले करने गए थे वहां। देखिए बल्ले बल्ले कौन कर रहा, आवाज उठाने में अंतर है राकेश, आग लगाने में और आवाज उठाने में अंतर को समझिए। आप आग लगाने जा रहे हैं, आवाज उठाने जा रहे हो? नहीं भाई, एक बात आग लगाने में आवाज उठाने में अंतर है। आप आग लगा रहे हो जाकर, आप हिंसा भड़का रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? झाड़ू देकर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है, 8 घर उजड़ गए और आप उत्सव मनाने जा रहे हैं, आप अपनी राजनीतिक क्षमता ले जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव को सामने रखकर जो विपक्ष राजनीति कर रही है, सबों की राजनीति करना विपक्ष का काम है। कम से कम आप जैसे बुद्धिजीवी से, आप जैसे परिपक्व लोगों से हमें उम्मीद नहीं है कि इस तरह की विपक्ष की राजनीति को, विपक्ष की स्वाभाविक बोलने तो दीजिए। राकेश जी एक मिनट कुछ कहना चाह रहे हैं, नावेद जी बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा जी। नावेद देखिए, मेरी यही चीज है कि मैं डिबेट में, कितने करोड़ों लोग सुनते हैं और डिबेट के एक आदाब होते हैं, तरीके होते हैं कि अपनी बात हर इंसान अगर रखे तो सही, लेकिन ये लोग किसी को बोलने नहीं देना चाहते। मैं ये कह रहा हूं, अभी कितनी खुशफहमी से ये बता रहे थे कि नहीं 3 दिन डिले हो गया, 4 दिन डिले हो गया, लेकिन कल वो 11 बजे जाएंगे। जैसे ये ऐसे कह रहे हैं, जैसे ये एहसान कर रहे हैं कि कल वो जाकर के अपनी बात लेंगे। राकेश सिन्हा जी, आपको जरा शर्म नहीं आती? ये कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर आपको इस तरह से पकार लगाई, ये सरकार को ये हो क्या रहा है? ये किस तरह से इतने लोग अभी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जिस तरह से सवाल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ये उसकी वजह से आप जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, ये आपकी हालत खराब की सुप्रीम कोर्ट ने, ये आपकी पार्टी नहीं कर रही है कि कल वो 11 बजे जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी तो 2 मिनट में सही किए दे रहे थे किसानों को, किसान ना होगा कि मैं 2 मिनट में सही कर दूंगा? 2 मिनट? अरे 2 मिनट में क्या किसान है कोई नूडल थोड़ी है, तो 2 मिनट में बना दोगे नूडल बना दोगे? अरे देश के लोगों को समझो भाई, शांतनु गुप्ता जी, आपने मुझे बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट करके बताया कि शायद मेरी रिसर्च टीम को नहीं पता। पता है कि 2 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन हुजूर 8 लोग मर गए थे, और 2 लोग जो गिरफ्तार हुए उससे सुप्रीम कोर्ट भी इम्प्रेस नहीं है, पूछ रही है कि ये किस तरह की तहकीकात है, जल्दी कीजिए, 8 लोग मर गए हैं, लोगों में गुस्सा है। तो शांतनु जी, आप मुझे बताइए
उस माँ का क्या जो सोच रही, जिसको आप कह रहे हैं चार ही दिन तो हुए, उसके लिए ये 126 घंटे कैसे गुजरे होंगे आप बता सकते हैं, जिसका बेटा मर गया, चाहे वो किसान बेटा था या पत्रकार बेटा था या कार्यकर्ता बेटा था। माँ का बेटा चला गया और किसी बच्चे का बाप चला गया और आप कह रहे हैं इतना ही तो टाइम हुए, 90 दिन मिलते हैं, जल्दी क्या है? नाविका जी मुझे खुशी है कि मेरी तहरीर के बाद कम से कम आप लोग 4 से 8 तो बोलने लगे, आप किसानों के साथ कार्यकर्ता भी बोलने लगे। हम हमेशा से 8 कह रहे थे शांतनु जी। अगर आपको लगता है कि आपकी आपकी सपोर्टेड पार्टी सत्ता में है तो आप हम सबसे ऊंचे हो गए, तो आप ऊंचे होकर बैठिए, हम नीचे जमीन पर बैठेंगे, लेकिन हम सच ही कह रहे हैं हमेशा से। मैं आपको लिंक्स भेज दूंगी हर प्रोग्राम के जिसमें हमने हर मरने वाले के लिए, मेरे बोलने से पहले पूरे 20 मिनट में किसी ने नहीं बोला था, मेरे बोलने से पहले आप अपनी रिकॉर्डिंग खुद चेक कर लीजिएगा। शांतनु जी आपकी जिंदगी इस वक्त, आपकी जिंदगी शुक्रवार रात 8 बजे 8 अक्टूबर की शुरू हुई होगी। हमारी ये पूरी स्टोरी जो है ये चल रही है पिछले रविवार से, ठीक है? तो आप हमें पढ़ाइए मत। मैंने जो पिछले 15-20 मिनट में सुना डिबेट में आने से पहले, तो प्रॉब्लम यही है ना, आप लोगों की सुनते नहीं है ना ज्यादा, आप यू आर सो फुल ऑफ योरसेल्फ कि आपको दूसरों की बात सुनाई नहीं देती। लेकिन खैर आप आगे बोलिए, एक सवाल आप ये है कि आप आगे बोलिए, कहूंगा बोलने तो दीजिए। देखिए एक बार भी आपने मुझे बिना किसी टोक टाक के बोलने नहीं दिया। दूसरी बात, सुनील वगैरह जी ने कहा बचाया जा रहा है, मैं उनको याद दिलाता हूँ बचाया कैसे जाता है। जब गायत्री प्रजापति पे FIR लिखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कहना पड़ता है, उसे कहते हैं बचाना। जैसे ही जो FIR लिखाई गई वैसी की वैसे FIR दर्ज हो गई, उसमें आशीष मिश्रा का नाम भी लिख दिया था, चाहे वो मंत्री का बेटा हो प्रधानमंत्री का बेटा, उससे कुछ नहीं हुआ, फुल स्टॉप कॉमा के साथ वैसी की वैसी FIR लिख दी गई। अरे दो लोग, अगर लिंचिंग है, अगर लिंचिंग है तो लिंचिंग में अगर किसानों ने भी हमला किया, अगर लिंचिंग है किसानों ने भी हमला किया तो फिर सरकार मुआवजा क्यों दे रही है 40-45 लाख का? लिंचर्स को तो पैसा नहीं देना चाहिए, एक तरफ पैसा भी दे रहे हो आप, आपके हिसाब से दूसरी तरफ कह रहे हो कि लिंचिंग, आपके हिसाब से लिंचिंग हुई कि नहीं हुई? पैसा क्यों दे रहे हो 45 लाख? पैसा क्यों दे रहे हैं 45 करिए उसको नहीं मिल रहा। भाई साहब आप कहां पर हैं, उत्तर प्रदेश में हैं कि विदेश में बैठे हैं? नहीं आपने उसको मिला दिया क्या मुआवजा? जिसने लिंचिंग करी है हमें नहीं पता वो कौन है, वो खालिस्तानी है, वो उपद्रवी, हमें नहीं पता। लेकिन लिंचिंग करी है किसी ने, वो लोग अपने आप, आपने भी वीडियो देखे हैं ना भाई साहब, उनको नहीं मिल रहा है। वहां तो सब किसान थे, वहां तो सब किसान थे, एक तरफ आप बता रहे हैं किसान थे क्या? जो भिंडर वाला बब्बर खालसा का स्टिकर लगाते हैं वो किसान था आपके हिसाब से? आपके हिसाब से किसान को भिंडर वाला की टी शर्ट वाला बब्बर खालसा के स्टिकर वाला किसान था? तलवार लेके आया था, लाठी लेके आया था, दो झंडे लेके आया था, वो किसान था? ये तो लाल किले पे आप लोग प्लॉट करके प्लांट करके पहुंचा देते हैं। लाल किला नहीं है, लखीमपुर खीरी की बात कर रहे हैं। आपको अभी वीडियो में दिखाई देगी, बगल में देखिए डंडे हैं हाथ में, लठ है हाथ में, तलवार है, वो किसान है क्या? मेरे देश का किसान तलवार लेके नहीं घूमता है सड़क पे, बब्बर खालसा का स्टिकर लगा के नहीं घूमता है। नहीं नहीं देखिए, हमारे सिख भाई जो लोग चलते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए, सिख लोग जो है वो लेकर के चलते हैं, उनके पास कुछ चीजें जरूरी है जो लेकर के चलते हैं। वो कृपाण छोटी वाली नहीं थी, पूरी तलवारें लेके चल रहे थे। कृपाण नहीं थी, तलवार थी, कृपाण नहीं थी, तलवार थी। भाई गांव में अगर लाठी डंडे नहीं, उनके हाथ में झंडा था, वो झंडे में आप डंडा देख रहे हैं, वो झंडे का ऊपर निकाल दीजिए। तो नावेद सिद्दीकी जी, नावेद सिद्दीकी जी फिर तो सुप्रीम कोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की जरूरत भी क्या है? नावेद सिद्दीकी जी आप ही जज जूरी फैसला कर दीजिए, आप ही सब कुछ जानते हैं, तो आप ही फैसला कर दीजिए। लेकिन मैं जाना चाहती हूँ सुच्ची विश्वास जी के पास। सुच्ची विश्वास जी, मैं दोबारा, मैंने मोनू मिश्रा पर हर वो सवाल पूछा है और हर वक्त ये पूछती रहूंगी जब तक कि मोनू मिश्रा पुलिस के सामने हाजिर नहीं होंगे। लेकिन अब तो आप ये जवाब दे दीजिए कि वहां कौन सा कॉम्पिटिशन चल रहा है चन्नी जी में और नवजोत सिंह सिद्धू में? कौन सी बल्ले बल्ले करने गए थे वहां पर जहां 8 लोगों की मौत हो गई है? सुची जी, आप वहां लोगों के आंसू पोंछने गए या आपके लोग वहां बल्ले बल्ले करने गए और अपनी रिपोर्ट कार्ड और अपनी वीडियो
अपने बॉसेस को सबमिट करने के लिए गए हैं। बताइए, सक्सेस नाप रहे हैं वहां कि कितना क्राउड आया, कितनी सक्सेसफुल पार्टी रही वहां पर, पार्टी का समय है वहां पर। आशा है मैं बिना अवरोध के अपनी बात पूरी कर सकूंगी। संवेदना व्यक्त करना विपक्ष का अधिकार है, अगर सरकार को इतना डर है तो यह अन्यत्र विषय है। प्लस अभी मेरे एक साथी पैनलिस्ट ने कहा कि किस जुर्म में आशीष मिश्रा, इतने ब्रूटल इंसिडेंट को देखने के बाद भी जो लोग अंधभक्त हैं, दे आर रियली शेमलेस, बिकॉज व्हेन फोर्सेस टू रूल, रूल ऑफ लॉ इज मॉकरी, इट्स फेक एंड इट्स फॉल्स। अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है उसको एक बार जरूर गौर से सुनिएगा, क्योंकि हम लोग तो पैनलिस्ट हैं लेकिन आप लोग एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं। और देश के सर्वोच्च न्यायालय को अभी हमारे राकेश सिन्हा साहब बार बार कह रहे थे न्यायालय पर सवाल ना उठाइए, न्यायालय पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, न्यायालय ने आपकी गैर जिम्मेदार सरकार पर सवाल उठाए हैं, तो ये घुमाकर इस बात को मत कहिए। दूसरा, उन्होंने कहा देखिए आपको नहीं दिख रहा है आंखों से, ये आपके नेत्रों की समस्या है, जो आप कर रहे हैं वो आपको भली भांति ज्ञात है। इस पत्रकार ने मिड डे मील दिखाया था, उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगा था, और जिसने यूपी मेडिकल एसोसिएशन में पीपीई किट्स का घोटाला दिखाया था, उसे एसटीएफ वाले उठा के ले गए थे। उसके बाद सिद्धार्थ वरदराजन साहब रहे हो, या फिर विनोद दुआ साहब रहे हो, या फिर हेनी बाबू रहे हो, या फिर जो फादर स्टेन स्वामी 84 वर्षीय वो वृद्ध है जिन्हें स्ट्रॉ नसीब नहीं हुई जेल के अंदर, एक सम्मानजनक अंत्येष्टि नसीब नहीं हुई। तीसरी बात, सिन्हा साहब ने बताया झाड़ू लगाना जिहाद है, माना कि आपका शाखा का ज्ञान है, मगर ये झाड़ू कौन, आप आक्रांता वर्सेस जिहाद, ये आपकी राजनीति का आधार है, आप सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, किंतु 70 बरस हमने देश की सेवा की है, और 7 बरस से जिस फर्जी राष्ट्रवाद और संस्कृति की आप दुहाई दे रहे हैं, संविधान की प्रतियां आपने जलाई हैं, तो इसलिए कम से कम थोड़ी नैतिकता, थोड़ी मर्यादा, थोड़ा आचरण। जवाब दीजिए राकेश सिन्हा जी, संवैधानिक पद पर राकेश सिन्हा जी जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं ये पहले तो एक स्पष्ट शब्दों में कहूँ कि इस घटना में जो दो घटनाएं एक साथ हुई, एक के साथ एक घटना हुई जिसमें चार चार लोग मारे गए, समय की प्रतीक्षा की, ये दो दिन चार दिन न्याय मिलेगा, जो विक्टिम है उनको न्याय मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ हमारी सरकार में न्याय मिलेगा, चाहे कोई भी हो, राजा हो या रंक। राजा रानी की कहानी तो कांग्रेस की कहानी है, हमारी कहानी नहीं है, हमारी कहानी तो चाय बेचने वाले की कहानी है, सामान्य लोगों की कहानी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो आप कह रही हैं, एक पत्रकार का वह नाम बताइए जिसको गैर अमर्यादित ढंग से, असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया गया। जब कोई कुछ कहता है उस पर दूसरे लोग केस करते हैं, उन पर FIR होता है, वो मुझ पर भी हुआ, ममता बनर्जी ने मुझ पर भी किया, नाविका जी पर भी कल हो सकता है। सवाल यह नहीं उठता, सवाल यह उठता कि संविधान की धज्जी कांग्रेस ने इस देश को चलनी बना दिया था 70 साल में, चाहे अर्थव्यवस्था हो या स्वतंत्रता हो। आपके भदौरिया जी भी आपका साथ नहीं दे सकते हैं, इनकी पार्टी भदौरिया जी स्वयं इमरजेंसी में जेल रहे, आप किसका साथ ले रहे हैं। किसानों का मुद्दा है उस पर रहिए, राहुल गांधी से पार्टी नहीं संभल रही है। आपके एक मुख्यमंत्री जिसको राहुल जी ने चुना, अभी एक कन्हैया को चुना है, क्या आपके पास मुंह है देश को दिखाने के लिए? जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने की तरफदारी करने वाले को कांग्रेस पार्टी में सम्मानित तरीके से लाकर आप हमें नैतिकता, देश की एकता, अखंडता और सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ा रही हैं? देश के संविधान का पाठ वो पढ़ा रहा है जो इमरजेंसी लागू करता है देश के पास? और एक दलित संविधान का, संविधान तो का पाठ कोई नहीं पढ़ा है, ये सियासत करने वालों की आपस की बहस है। लेकिन राकेश सिन्हा जी, पब्लिक जो पूछ रही है मैं वो आपको सुनाना चाहती हूँ। विनय कुमार मुंबई से पूछ रहे हैं, अगर आम आदमी के हाथों ऐसा गुनाह होता तो पुलिस उसे घसीटते हुए ले जाती, क्या भाजपा आशीष मिश्र के गिरफ्तारी पर लिपापोती कर रही है? ये मुंबई से सवाल है। देहरादून से हरीश पूछ रहे हैं, सिद्धू जैसे नेताओं के ऐसे बयान सार्वजनिक रूप से ऐसे मौके पर आने के बाद भी कांग्रेस पार्टी भी कोई कार्यवाही नहीं करती, और जनता भी जिम्मेदार, क्योंकि ऐसे लोगों को फिर भी जनता के बीच में ही अनशन के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं ये लोग। और आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना साहब ने कहा, 302 के मामले में पुलिस सामान्य तौर पर क्या करती है, सीधा गिरफ्तार ही करते हैं ना, अभियुक्त जो भी हो कानून को अपना काम करना चाहिए। तो शांतनु गुप्ता जी, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, उठाइए बंदूक,
कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ, हम पूछें तो आग बरसाने लगते हैं आप हम पर कि कानून जानते नहीं हम, प्रशासन जानते नहीं हम। सुप्रीम कोर्ट का ही ये सवाल है, कहिए सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई। और यही है आज सवाल पब्लिक का। आशीष मिश्रा, कम से कम कानून के सामने आए तो, क्यों लग रहे हैं इतने दिन? दो समन और कोई शो अभी तक हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछे तो ठीक है, लेकिन पब्लिक सवाल पूछे, पत्रकार सवाल पूछे, तो हमसे पूछा जाता है कि अभी समय हुआ ही कितना है, चार दिन में सारी तफ्तीश थोड़े ही हो जाती है, 90 दिन का समय देता है कानून। सवाल कानून, सवाल 90 दिन या चार दिन का नहीं है। सवाल ये है कि जब आप न्याय करते हैं तो न्याय करते हुए दिखने चाहिए। अन्याय के खिलाफ पब्लिक हमेशा आवाज उठाएगी और हम पब्लिक के साथ सुर से सुर मिलाकर अपनी आवाज उठाएंगे और सवाल पूछते रहेंगे जब तक एक्शन ना हो, जवाब ना मिले। बस आज सवाल पब्लिक का पर इतना ही, पर सवाल जारी रहेंगे, जवाब हम ढूंढते रहेंगे। जरूर रोज देखा करिए मंडे से लेकर थर्सडे तक सवाल पब्लिक का। आपसे लेती हूं इजाजत। दूसरी तरफ आ रहे हैं सुशांत सिन्हा न्यूज की पाठशाला लेकर, जाइएगा।